अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम स्कॉस्ट कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें जो है स्कॉस्ट कश्मीर का एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि जो है क्या सेकंड राउंड होगा काउंसलिंग का, ठीक है। लेकिन अभी जो है बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं कि सेकंड राउंड जो है वो कन्फर्म है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सी सीट सब बची है, ठीक है। क्या बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या उनका दिन जो है ज़ाया नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत दूर से आना पड़ता है बच्चों को, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से या शोपियान से, ठीक है। तो कोई जो है राजौरी से आता है, आज जो है बच्चे राजौरी से आए थे, फिर जो है वहाँ से खाली निकले, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि क्या आपको जो है वेट करना चाहिए सेकंड राउंड के लिए। तो पहली बात यह है कि वहाँ पे जो है कोई भी सीट नहीं बची है ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। चाहे हॉर्टिकल्चर है, BBSC है, एग्रीकल्चर है, मतलब फॉरेस्ट्री है, ठीक है। तो जो भी कोर्स है वहाँ पे जो है ओपन मेरिट के लिए अब कोई भी सीट नहीं बची है, ठीक है। वहाँ पे ओपन मेरिट की ऑप्शन ही नहीं है अब। तो अब जो है ST की बात करेंगे तो ST के लिए भी अब कोई सीट नहीं बची है। तो मैं मतलब ऑल ओवर में कहूँगा कि जितने भी कैटेगरीज हैं उनमें जो है आपको कोई भी सीट नहीं वैकेंट मिलेगी अब, ठीक है। तमाम सीट जो है कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन अब जो है बच्चों को धोखे में रखा मतलब जाता है। यूट्यूबर्स जो है बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैंने जो है कन्फर्म, मैं खुद वहाँ पर था, मैंने कन्फर्म किया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी सेकंड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं कि सेकंड राउंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो डेफिनेटली सेकंड राउंड हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है लास्ट में ये अनाउंसमेंट किया है कि 27 सीट्स बची है सीरी कल्चर में, लेकिन वो सेल्फ फाइनल से, ठीक है। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे वो मतलब वैकेंट अब कोई सीट नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस पे, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस में आपको जो है अगर पेमेंट 30,000 है, आपको जो है डबल पे करना होगा, वो भी सीरी कल्चर के लिए। तो मैं अगर आप मतलब मेरी बात मानोगे कि आपको जो है सीरी कल्चर में नहीं जाना चाहिए, आप जो है कोई पैरामेडिकल कोर्स करें उन्हीं 60,000 में, ठीक है। BA फार्मा करें, BSc रेडियोलॉजी करें, ताकि जो है कल जाके आप प्राइवेट जॉब आपको जो है मिल सके, ठीक है ना। तो सोच समझ के आप मशवरा कीजिए क्या हमें जो है सेल्फ फाइनेंस सीट लेनी चाहिए वहाँ पे या नहीं लेनी चाहिए। और सेकंड राउंड डेफिनेटली होगा, लेकिन आप जो है मेरे हिसाब से आप मत जाए, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा सीरी कल्चर में एडमिशन नहीं करते, ठीक है। तो कोई पैरामेडिकल कोर्स चूज़ कीजिए, अपने घर वालों के साथ मशवरा कीजिए, माँ बाप के साथ मशवरा कीजिए, जो वो आपको जो है मतलब सजेशन देंगे आप जो है वही मानिए। क्योंकि अभी जो है मतलब आपको उम्मीद थी कि शायद स्कॉस्ट कश्मीर में सीट मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो है अब सेल्फ फाइनेंस पे कुछ सीट से जिस पे जो है आपको बुलाया जाएगा, और फिर जो है आपका दिन भी ज़ाया हो जाएगा और आपको जो वहाँ पे सीट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट है कि कोई पैरामेडिकल कोर्स कीजिए, और जो है अब जो है स्कॉस्ट की बात अब आप छोड़िए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा आप जो है इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी जो है धोखे में ना रहें। बाकी आप जो है अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोस शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।